माध्यम से जब रेल आती है तो विकास की बहुत सारी सौगातें लाती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार के बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी एक बार फिर हम सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन बोलते रेलवे से हमारा विकास का पहिया अपने आप जुड़ जाता है और मध्य प्रदेश तो बड़ी संभावना वाला प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की सरकार में जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से हमारे अच्छे सबल सक्षम राज्य की तरफ बढ़े और अब इससे और आगे बढ़ते रहे, हमारी और गति आगे बढ़े, खास करके उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गरीब और बहनों के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है कि एक के बाद एक आने वाले समय में वो समय बदल गया जब हमारे अपने लोग किसी के आगे हाथ फैलाते थे। आज के अवसर पर सरकार की सारी योजनाओं का, कोई योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होगी। अभी नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पालिका कितने पैसे मांग रहा हूं, नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष जी है ना, आपने कुछ मेरे एस्टीमेट दिया तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं आपके सिंहवार के लिए सौगात देने के लिए, क्योंकि हमारे लिए रुकते हुए खासकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का जिला है और मैं खासकर आपके सिंहवार से विशेष प्रेम करता हूं। ये पूरी मंडली रवि भैया, आपके राय साहब और हमारे गोपाल इंजीनियर, आस्था विधायक जी, अभी करण सिंह जी हमारे साथ थे, इच्छावर के विधायक, और हमने कहा कि हमारे अपने इस खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अगर भोपाल का विकास होगा तो सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया तीन सिटी की तरफ बढ़ेगा, दो नगरों को जोड़ करके जहां बड़ी विकास की संभावना है उनके समग्र विकास की प्लानिंग बना रहा है, उसमें आवागमन के साधन, रोजगार के साधन, आवासीय प्रोजेक्ट और बड़ी आगे चल के संभावना वाली सारी चीजों के इकट्ठी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उज्जैन इंदौर, उज्जैन देवास, भोपाल विदिशा, भोपाल सीहोर, रायसेन आदि आदि जो क्षेत्र के भविष्य के 2047 तक अमृत काल ये चल रहा है और भविष्य में जिस प्रकार से पूरे देश को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो खाका खींचा है और हमने सबने देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने दुनिया में नाम कमाया है और अभी हमारी अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है। पहली बार हमारी सरकार जब माननीय मोदी जी की बनी तो नकारात्मकता के आधार पर वोट मिला था, कांग्रेस ने 10 साल में सरकार उनकी फेल हुई, इसके कारण से हमारी सरकार माननीय मोदी जी की तरफ देखते हुए जो गुजरात में विकास का काम हमने किया था तो जनता हमारे साथ आई। दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि धारा 370 हो, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक की नर्क वाली जिंदगी हो, ऐसे कई कारणों से जो सरकारों के लिए होता है कि पुरानी सरकार वर्षों तक देखती रही और उनने कोई काम नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी की तीसरी बार की सरकार के लिए, और जब तीसरी बार की सरकार बनेगी तो विकास के मामले में अब हवाई जहाज से ऊपर जाकर के चंद्रयान, गगनयान, सूर्यान, उस तरफ अंतरिक्ष की तरफ जो उड़ान बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकार की गति उधर बढ़ेगी ऐसे गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आएगा, हमारी प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, सभी प्रकार के अवसरों को उपलब्ध लेते हुए मैं आज एक बार फिर सारी सौगात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीहोर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंच पर जन आभार यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का धन्यवाद किया है इस सपोर्ट के लिए और सीहोर से अतिरिक्त प्रेम का कारण उन्होंने बताया और साथ ही पूर्व की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के जो विकास कार्य शुरू किए गए थे उन्हें आगे बढ़ाते रहने का यहां पर प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां सीहोर में इस कार्यक्रम के माध्यम से जन आभार यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचे, सभी का धन्यवाद किया और एक बार फिर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का उन्होंने साथ मांगा है लोगों का।
मेरे इस वक्त हम आपको सीहोर से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां इस कार्यक्रम में पहुंचे, कई बड़ी सौगात यहां पर मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं और यहां तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो मंत्रणा चल रही है इस वक्त, क्योंकि सीहोर वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है और सीहोर में रेल कनेक्टिविटी का वो जिक्र कर रहे थे जब मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी। रेलवे स्टेशन की जो एक अमृत भारत रेलवे स्टेशन के जिस तरह से कायाकल्प हो रही है, उस कायाकल्प में सीहोर को भी बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं जिससे कि रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये जो कनेक्टिविटी है ये प्रदेश को आगे लेकर जाएगी। और जैसा कि अपने संबोधन में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन का जब जिक्र होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि केंद्र और राज्य में दोनों ही सरकारें मिलकर के प्रदेश और देश दोनों का विकास कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेशों का विकास होगा तो देश का विकास होगा स्वाभाविक रूप से, और जब देश का विकास होगा तो प्रदेश अपने आप आगे बढ़ेगा। और इसी डबल इंजन से जोड़ते हुए रेलवे को उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन का जिक्र होता है तो रेलवे अपने आप इसमें समाहित होता है और रेलवे की कनेक्टिविटी से यहां के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और सीहोर में जनाभार यात्रा के बाद यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिनके द्वारा सीहोर वासियों के लिए अतिरिक्त प्रेम का जिक्र किया गया।